हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल का वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं काउंटिंग फिगर्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, बेसिक क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इजीली दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अच्छा कमेंट लिख देना, और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों काउंटिंग फिगर्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना काफी डिफिकल्ट होता है जब एडवांस लेवल के फिगर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एडवांस लेवल के फिगर को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फिगर भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैंने दोस्तों ये सब फिगर लिया है मैंने, जिससे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखोगे कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आप इजीली पाओगे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक बड़ा सा ट्रायंगल जो बाहर दिया है, तो टोटल ट्रायंगल जो है 3 होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब ये फिगर में आओगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, और जब ये फिगर फाइंड करने जाओगे तो उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन, ऐसा शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। अब देखें यहां पर क्या होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, नंबरिंग करना है। यहां पर 1, यहां पर 2, ये नंबरिंग कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, 1+2 करके ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में 3 है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर दोस्तों आप 1 लिखोगे, यहां पर 2, यहां पर 3, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों 1+2+3 लिखूंगा मैं, इन तीनों को प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में आएगा शायद तक कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 कैसे आया, यहां पर तो 1, 2, 3 और ये रहा 4। लेकिन दोस्तों का ध्यान दोगे तो ये दोनों मिला के भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर ये दो मिला के भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत से ट्रायंगल होंगे इसके अंदर जिससे हमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर क्या करोगे दोस्तों, आपको देखना है बेस के अंदर कितना है, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये मैं लिख लिया मैंने। अब इन सबको प्लस कर दो आप, तो यहां पर दोस्तों 1+2+3+4+5 लिख लिया मैंने। 5+4 9, 9+1 10, 10+5 15 होगा, तो यहां पर मैं 15 लिख लेता हूं। लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ ट्रायंगल 15 नहीं है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर बेस है, इस बेस में 15 बन रहा है, यहां पर भी एक बेस है, तो यहां पर आप 1 काउंट करोगे तो 15+1। उसके बाद दोस्तों यहां पर भी बेस है, देखिए यहां पर 1 और यहां पर 2 करोगे तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा दोस्तों, 1+2 3 बनेगा, तो यहां पर भी +3 करना होगा। तो दोस्तों टोटल कितने होंगे, टोटल 19 ट्रायंगल होंगे ये फिगर के अंदर। तो ऐसे फिगर भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर ऐसे फिगर दिया जाएगा तब कैसा नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे। सिंपल क्या करना है दोस्तों, आपको नंबर करना है 1, 2, 3, 4, ये लिख लिया आपने। जहां पर एंड होगा दोस्तों वहां पर क्या करोगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा आपका आंसर, मतलब डबल कर देना है इसको, क्लियर हो गया। चलिए यहां पर आपको समझा देता हूं, अगर यहां पर समझ में नहीं आया तो। यहां पर दोस्तों क्या करोगे, नंबर करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर लिख लिया आपने। एंड किस में हुआ, 8 पे हुआ है, तो यहां पर 8 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो होगा 16 होगा। अब दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल आ गया, देखिए ये दो मैंने सिखा दिया मैंने, यहां पर क्या होगा, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा वो आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, यहां पर नंबरिंग करोगे, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लिया मैंने। तो यहां पर दोस्तों 8 × 2 कितना होगा, 16 होगा। अंदर देखिए फिर से नंबर करेंगे, लिखेंगे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखेंगे, 8 × 2 16 होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो होगा 32 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने यहां पर सिखाया आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों मैं और भी क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे मैं आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊं।
चलिए दोस्तों आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आए। देखिए, अगर ऐसे फिगर आ जाए एग्जाम के अंदर और आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? दोस्तों देखिए, एडवांस लेवल का रखा है हम लोग ने, लेकिन अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये बेसिक सम आपको सॉल्व करना होगा, सीखना होगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सिखा रहा हूं मैं यहां पर कि यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है, यहां पर एक ट्रायंगल है, यहां पर एक ट्रायंगल और यहां पर एक ट्रायंगल, और अंदर कितने ट्रायंगल है? चार ट्रायंगल है, और बाहर देखिए एक ट्रायंगल है। तो यहां पर क्या होगा? 4+1 कितना होगा दोस्तों? 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। ये आपने सीख लिया आपने। और एक शॉर्टकट ट्रिक में ये दे रहा हूं मैं, देखिए अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो एक लाइन कट मतलब आपको 4 काउंट करना है, ठीक है, और यहां पर +1 बाहर का जो ट्रायंगल होगा। क्लियर हो गया? तो यही शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल अंदर है, तो मैंने एक यहां पर लगा लिया मैंने, तो मेरे को पता चल गया कि यहां पर 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। अंदर और एक ट्रायंगल है, एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया तो और एक 4 हो गया, तो यहां पर 4 लिख लिया मैंने। फिर क्या होता है दोस्तों? बाहर का एक ट्रायंगल प्लस करना होता है, तो 4+4 कितना होगा? 8 होगा, और 8+1 कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। मतलब इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 9 होगा। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं कि यहां पर देखोगे कि अंदर ट्रायंगल कितना बना हुआ? एक बना हुआ, देखिए ये वाला, तो क्या होगा? 4 होगा, तो यहां पर आप 4 लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए और एक ट्रायंगल है, तो कितना होगा? 4 होगा, तो यहां पर मैं 4 लिख लेता हूं। उसके अंदर भी और एक ट्रायंगल है, तो यहां पर दोस्तों लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं यहां पर 4 लिख लेता हूं, ठीक है। फिर क्या करोगे दोस्तों? बाहर का ट्रायंगल प्लस करते हैं 1, तो यहां पर देखिए 4 3 टाइम्स है, तो 3 4 12 12+1 13, तो 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में होगा। इतना क्लियर हो गया? अब दोस्तों मैं ये वाला सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर देखिए ये एक ट्रायंगल है अंदर, ठीक है, मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ कर लिया और यहां पर मैंने 4 लिख लिया, ठीक है। फिर अंदर देखोगे और एक ट्रायंगल है, तो क्या होगा? 4, तो यहां पर 4 लिख लिया मैंने, और बाहर का ट्रायंगल दोस्तों यहां पर 1, तो 4+4 8 8+1 9, ये मैंने लिख लिया। क्योंकि दोस्तों ये देखोगे आप एग्जैक्टली सेम टू सेम ही है। क्या यहां पर डिफरेंस है? यहां पर एक लाइन इस तरह से आ गया है और ये फिगर बन गया। सिंपल है ना? अब क्या करोगे दोस्तों, यहां पर चेंज क्या हुआ है? यहां पर देखिए एक लाइन मतलब 2 ट्रायंगल, ठीक है, एक लाइन मतलब 2 ट्रायंगल, तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, और यहां पर 2 है, तो टोटल कितना होगा? यहां पर 2 2 और 2, तो टोटल 6 ट्रायंगल होंगे। तो यहां पर 9+6 क्या होगा दोस्तों? 15 होगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर आपने पहले सिखाया था कि ये बेस है तो ये 1 और 2 2+1 3 होना चाहिए, यहां पर 2 कैसे बता रहे हो आप? लेकिन दोस्तों जब आपको मैंने ये सिखाया, मैंने जब ये 4+1 वाला सिखाया कंसेप्ट मैंने, उसके अंदर तो ये ट्रायंगल ऑलरेडी काउंट हो गया था, तो क्यों फिर से वापस यहां पर काउंट करोगे? यहां पर तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हो ना आप, इसीलिए ये 1 और 2 आप काउंट कर रहे हो, क्योंकि यहां पर लाइन आ रहा है तो 2 ट्रायंगल आ रहा है, ऑलरेडी आपने ये ट्रायंगल को काउंट कर चुके हो यहां पर, समझ गए, इसीलिए यहां पर 15 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं दोस्तों बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये वाला टाइप के फिगर। यहां पर पूछा जाता है नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा कि यहां पर कैसा फिगर है ये। ये जो फिगर दोस्तों सिमेट्री टाइप का फिगर है। कैसे? यहां पर देखोगे 1 2 3, यहां से भी देखोगे 1 2 3, और यहां से भी देख लीजिए 1 2 3, तो ये सिमेट्री टाइप के फिगर होंगे। तो उसमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले यहां पर नंबरिंग लिखोगे 1, यहां पर 2 और यहां पर 3 आपने लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, यहां पर लिखोगे 1, यहां पर 2, यहां पर 3, ये आपने लिख लिया। उसके बाद यहां पर देखिए 1 का 1 लिख लिया मैंने, यहां पर 1+2 कितना होगा? 3 होगा, और यहां पर 3 में 3 प्लस करना होगा तो क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। उसके बाद क्या करना है, इन 3 नंबर को प्लस कर लेना है, तो 6+3 कितना होगा? 9 होगा, 9+1 कितना होगा? 10 होगा। और अभी यह आंसर नहीं आया है क्योंकि और भी कुछ करना होगा आपको। आपको क्या करना होगा, नीचे के नंबर को छोड़ दीजिए, पहले नंबर को इसको आप ले लीजिए और यहां पर छोड़ दीजिए। इस तरह से पैटर्न फॉलो करना होगा। और भी नंबर होंगे तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना होगा कि नीचे के नंबर को छोड़ दोगे, फिर लोगे, छोड़ दोगे, फिर लेना है, फिर छोड़ देना है, इस तरह से ये मेंटेन करना है, ठीक है। फिर क्या करोगे दोस्तों, यहां पर 3
दिया आ गया है, तो यहाँ पर प्लस 3 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब ये फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 13 है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो ये फिगर तो है ना, यहां पर समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर भी देखोगे ये भी सिमेट्री टाइप का फिगर है। देखिए 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर दोस्तों 1 2 3 4 हो गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 2 3 4 लिख लिया मैंने, और यहां पर लिखूंगा 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, ये मैंने लिख लिया मैंने। फिर क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर लिखूंगा 1 है तो यहां पर 1 लिखूंगा मैं। फिर दोस्तों ये क्रॉस में प्लस करूंगा, 1 + 2 कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 में 3 प्लस करूंगा तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 में क्या करूंगा दोस्तों, 4 प्लस करूंगा तो 6 + 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब इन सब नंबर को प्लस कर लेना है, तो 10 + 6 क्या होगा, 16 होगा, 16 + 3 19 होगा, और 19 + 1 कितना होगा, 20 होगा, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो मैंने सिखाया था आपको वो फॉलो करोगे। वहां पर सबसे पहले नीचे नंबर जो है उसको आप कैंसिल कर दोगे, ये नंबर ले लोगे, फिर कैंसिल करोगे और ये नंबर ले लोगे, और ये जो टिक किया है आपने, राइट किया है, वो नंबर को प्लस कर लेना है। तो 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा, तो +7 लिखोगे और यहां पर 27 ये आ जाएगा आंसर आपका। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 27 है। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास। लेकिन ये मेथड क्यों करवाया मैंने वो भी आपको रीजन बताऊंगा। शॉर्टकट क्या है पहले वो सुन लीजिए। शॉर्टकट ये है कि इतना सा झंझट पालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए एक बेस है, ठीक है, यहां पर देखिए दूसरा बेस है, यहां पर देखिए तीसरा बेस है। तो क्या करना है, बेस जितना है उसको आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका, होगा 9 होगा, और 9 में क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और -5 करना है। तो 9 2 का क्या होगा, 18 होगा, -5 करोगे तो आपका आंसर देखिए 13 आ गया। देखिए यहां पर यह आपका आ गया। इस तरह का फॉर्मूला आपको मेंटेन करना है, हो गया। अब बोलोगे ये मेथड याद नहीं रहता है, कुछ और बताइए, तो और भी एक मेथड है मेरे पास। कैसे, यहां पर 1 2 3, फिर आपने यहां पर 4 5, और यहां पर दोस्तों 6 और 7 8 9, मतलब सब काउंट कर लेना है आपको। ठीक है, इन शॉर्ट उसके बाद क्या करो, 9 में एंड हुआ है तो 9 × 2 -5, तो 9 2 = 18 हो जाएगा, -5 करोगे तो 13 आ जाएगा, हो गया आंसर। यहां पर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर आपने नंबरिंग किया था, मैंने इसको मिटा देता हूं मैं, और यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मैंने 16 लिख लिया मैंने। अब क्या करोगे, जहां पर एंड हुआ है 16 × 2 क्या होता है दोस्तों, 32 होता है। 32 आने के बाद -5 करोगे तो आपका आंसर इजीली 27 आ जाएगा। बहुत सिंपल लगा आपको, लेकिन दोस्तों मैंने पूरा रिसर्च करके आया हूं, ये जो है सिर्फ 3 और 4 में ही काम आता है। अगर 6 आ गया ना अगर, तो काम नहीं आता है और रॉन्ग आंसर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला मेथड सिखाया। ये मेथड ऐसा मेथड है जिसमें अगर आपका 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, सब में आंसर राइट आएगा। तो ये आपकी चॉइस है, या तो आप समझ लीजिए कि 3 और 4 आएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और 6 आएगा तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है दोस्तों। अब मैं और भी क्वेश्चन आपके लेके आ रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आपके लिए हाई लेवल क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, हमेशा आपके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक लेके आता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे। सबसे पहले आप काम कीजिए, पूरे फिगर को भूल जाइए, सिर्फ इतना फिगर याद रखिए। देखिए सिर्फ इतना फिगर याद रखिए, एक के बाद एक हर एक चीज समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर ये फिगर को मैं फोकस करता हूं, तो ये बॉक्स देखिए 1 2 3 4, आपको मैंने सिखाया ऐसे बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने बोलेंगे, तो लास्ट नंबर 4 है, तो क्या करते हैं हम लोग, 4 × 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, मतलब ए बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, इतना मैंने यहां पर लिख दिया मैंने। फिर दोस्तों देखोगे कि यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है 1, और यहां पर एक ट्रायंगल है, तो एक और एक कितना होगा, 2 होगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर ध्यान दोगे दोस्तों, तो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट है, तो यहां पर एक पॉइंट है, और यहां पर ये लाइन है, ये लाइन, मतलब कहने का मतलब इस तरह से,
इस तरह से। तो मैंने आपको पहले क्या सिखाया था, जब ऐसे फिगर में आपको क्या सिखाया था, मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे, यहां पर वन और यहां पर टू होता है और टू प्लस वन कितना होगा, थ्री होगा। तो ये जो मैं डॉट लगाया मैंने, इसमें आपका थ्री ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर मैंने प्लस थ्री लिख लिया। तो एट प्लस टू कितना होगा, टेन होगा, और टेन प्लस थ्री कितना होगा दोस्तों, थर्टीन हो जाएगा। तो ये इस फिगर से पूरा थर्टीन नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। तो सेम टू सेम देखिए ये फिगर है, तो यहां से भी क्या होगा दोस्तों, थर्टीन नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो 13 प्लस 13 में यहां पर लिख लेता हूं, 13 प्लस 13 26 नंबर ऑफ ट्रायंगल अभी तक मुझे मिल गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर बीच में देखोगा तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। तो यहां पर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इस फिगर से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 8 होगा। तो यहां पर मैं प्लस 8 कर लूंगा और आपका आंसर 34 आपको लगेगा अगर राइट है। लेकिन दोस्तों 34 इज नॉट अ राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखोगे अगर, तो यहां पर पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, यहां पर पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए। तो ये बड़ा जो मैं फिगर दिखाया आपको मैंने, एग्जैक्टली कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो ऐसे जब फिगर आ जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, 1 और 2। तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहां पर क्या करना हो दोस्तों, 34 में प्लस 3 आपको प्लस करना होगा, तो आपका आंसर दोस्तों 37 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने समझाया मैंने आपको समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों आपके सामने, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों देखोगे आप, अगर यहां पर देखिए स्क्वायर है और जब ऐसे अगर डिजाइन दिया होता तो आपको क्या करना होता है, 1 2 3 4, आपने ये लिख लिया। उसके बाद दोस्तों 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 8 होगा, मतलब ये स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 8 होगा। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, देखिए साइड में देखिए एक ट्रायंगल है और यहां पर इस साइड में और एक ट्रायंगल है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 यहां पर 10 आ गया। लेकिन दोस्तों अभी भी दो ट्रायंगल बचा हुआ है, कहां पर है देखिए, यहां पर देखिए, ये एक पॉइंट देखिए, ये एक पॉइंट देखिए और यहां से पॉइंट देखिए। तो ये एक ट्रायंगल कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर देखोगे तो और एक ट्रायंगल छुपा है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों 10 प्लस 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को समझ में आ गया है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों और एक क्वेश्चन आपके लिए, और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन लेके आया। ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपको फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजीली आपको 3 ट्रायंगल तो दिख जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों 3 ट्रायंगल के अलावा और भी ट्रायंगल है इसमें, कैसे करोगे देखिए, यहां पर देखो ये जॉइंट से और एक ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले एक काम कीजिए, जो 3 ट्रायंगल आपको इजीली दिख रहा है वो आप यहां पर लिख लीजिए। तो ठीक है, यहां पर 3 लिख लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों देखोगे ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए मैं ऐसे बना देता हूं जिससे आपको समझ में ज्यादा आए, ठीक है, ये एक बन गया। तो यहां पर प्लस 1 लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखोगे ये छुटकू सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए बीच में देखिए, यहां पर प्लस 1 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों देखोगे आप ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर और एक लिख देंगे 1। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो ये फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपके लिए और हम बना सके। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप शेयर करते हो तो बहुत से लोग जिनको ये चीज पता नहीं है उनको भी पता चल पाता है और नए नए चीज वो सीख पाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप एक काम करिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे रोजाना आपको नए वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।